अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रिजवान से यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आई होप आप सब लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे अपने आने वाले एग्जाम के लिए और आप सब लोग ठीक होंगे। आज के हमारे वीडियो में हम सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि एक लेटेस्ट अपडेट है, उसको जरा डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। आज की वीडियो के दो पोर्शन होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट है क्या, इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, और फिर दूसरे सेक्शन के अंदर हम इसकी तैयारी को जरा डिस्कस करेंगे कैसे करनी चाहिए। तो काफी अरसे से सीएसएस रिफॉर्म्स की जब बात, स्पेशली जब करंट गवर्नमेंट, खान साहब की गवर्नमेंट जब से आई है, तो ये रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, और उन रिफॉर्म्स के अंदर एक सीएसएस के पेपर को रिफॉर्म करने का भी एजेंडा शामिल था। तो उन्होंने पिछले साल भी ये डिबेट चलती रही थी और उससे पहले भी ये डिबेट शामिल जेरे बहस रही है कि सीएसएस को रिफॉर्म किया जाए। उसकी वजह ये थी कि एप्लीकेंट्स तकरीबन पिछले 2 साल से 40,000 के करीब एप्लीकेंट्स आ रहे हैं, उनमें से जो पेपर में अपीयर होते हैं वो तकरीबन अराउंड 20,000 होते हैं, और जो पास करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ, हमें पता है कि 300-400 से ज्यादा नहीं होते। और इनमें काफी ज्यादा नॉन सीरियस कैंडिडेट्स भी होते हैं कि जिन्हें कहा जाता है कि वो बस मजे लेने के लिए सीएसएस में आ जाते हैं, हालांकि सीएसएस इज अ वेरी सीरियस गेम। तो उनकी वजह से कमीशन पे बर्डन ज्यादा होता है। कमीशन पे बर्डन ज्यादा होने की वजह से जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है कमीशन की, वो कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। तो इस वजह से उन्होंने ये स्क्रीनिंग टेस्ट दिया कि एक पहले से ही फिल्टर लगा दिया जाए, ताकि जो सीरियस कंटेंडर्स हैं, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ उन्हें ही आगे लेके आया जाए, और एक सही तरीके से कंपटीशन भी हो और कमीशन की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो। तो ये एक अच्छी चीज है और ये काफी पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो स्क्रीनिंग टेस्ट है, और अभी पीएमएस के अंदर, जिसमें केपीके और सिंध के जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पीएमएस वहां का जो आता है, उसमें भी स्क्रीनिंग टेस्ट अभी इंट्रोड्यूस कराया गया है और प्रैक्टिस किया गया है। तो आज कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें इसकी अप्रूवल दे दी गई, और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि आपसे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और उसमें 33 मार्क्स देने वाले को पास किया जाएगा। अब चूंकि ऑफिशियली अभी तक कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है एफपीएससी से, तो जो बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ वो प्रोबेबल हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि यही होंगे, और जो मेरे सोर्सेज हैं वो भी मुझे यही बता रहे हैं कि यही प्रोबेबिलिटी है, यही क्राइटेरिया होगा, जो प्रोबेबल क्राइटेरिया होगा। तो अब चूंकि वो 33 मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी यही है कि ये 100 मार्क्स का पेपर होगा, और ये सारा का सारा पेपर कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लिए होगा। मीन्स कि इंग्लिश होगी इसके अंदर, इसमें जनरल साइंस एंड एबिलिटी होगी, इसमें पाकिस्तान अफेयर्स होगा, इसमें करंट अफेयर्स होगा, और इसके साथ साथ इसमें इस्लामियात होगी। तो ये एक ओवरऑल है। अब देख लेते हैं कि इन सब्जेक्ट्स में आपको क्या क्या चीजें एक्सपेक्टेड होंगी। जो सबसे पहले इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश एमसीक्यूज बेस्ड ये पूरा पेपर होगा। तो इंग्लिश के अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, पंक्चुएशन, ईडियम्स और करेक्ट स्पेलिंग, प्रपोजिशंस, ये हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके अंदर नाउन्स, प्रोनाउन्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, इनकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। तो ये हमें पॉसिबल है कि इंग्लिश के अंदर यही चीजें ही आएंगी। और ये चूंकि आप लोग इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर के लिए पहले भी ये चीजें तैयार कर रहे होते हैं, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा डिफरेंस जहाँ पे आएगा वो बाकी सब्जेक्ट्स में आएगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। दूसरी चीज है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। अब जनरल साइंस एंड एबिलिटी के दो पोर्शंस हैं हमारे पास, मैथ्स का पोर्शन है और जनरल साइंस का पोर्शन है। तो इसमें होपफुली यही होगा कि इन दोनों पोर्शंस को ही इक्वल मार्क्स दिए जाएंगे, और जनरल मैथ्स के अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो लॉजिकल रीजनिंग है, जो टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, और जो आपको जनरल मैथ्स जैसे वन पेपर की तैयारी जो बच्चे कर रहे होते हैं, उनको जो फास्ट पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चंस मिल रहे होते हैं, परसेंटेज से रिलेटेड होता है, प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो होपफुली ये वो वाले क्वेश्चंस ही होंगे जो आपको दिए जाएंगे, क्योंकि उनको मिनिमम टाइम के अंदर रहते हुए आपसे पूरा एमसीक्यूज का पेपर करवाना है, तो ऑब्वियसली वो उस तरीके से ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग शायद ना हो, तो होपफुली ये वही होंगे। और जनरल साइंस के अंदर ऑब्वियसली जो साइंस पोर्शन है, उसके जो फैक्ट्स हैं साइंस के, तो वो आपको पूछे जा सकते हैं।
और उसके बाद अगला हमारा पोर्शन है पाकिस्तान अफेयर्स का। पाकिस्तान अफेयर्स में जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसकी अंदर से ज्यादा आपके पास एमसीक्यूज निकलते हैं और मोस्टली उसी से ही एमसीक्यू सीएसएस में पूछे जाते हैं, और जो 1857 के बाद का पोर्शन है उसमें से ज्यादातर सब्जेक्टिव पोर्शन आता था। तो होपफुली इसके अंदर भी उसी में को ही ज्यादा फोकस किया जाएगा, और उसके साथ साथ पाकिस्तान अफेयर्स के जैसे दूसरे टॉपिक हैं जिसमें पाकिस्तान रिलेटेड इकोनॉमी है, सोशल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, तो उनसे भी रिलेटेड आपको एमसीक्यूज आएंगे। और करंट अफेयर्स के अंदर ऑब्वियसली उसमें पाकिस्तान के करंट अफेयर्स की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था, उसको अनअर्थ किया था, उसमें एक रीजनल इश्यूज का एक पोर्शन है, उसमें सॉरी इंटरनल इश्यूज का एक पोर्शन है, फिर रीजनल हैं जिसमें रिलेशंस डिस्कस किए थे हमने, और तीसरा हमारे पास ग्लोबल इश्यूज थे। तो उनके अंदर रहते हुए करंट अफेयर्स का भी पोर्शन आएगा। अब ये तो थी एक जनरल इंट्रो के स्क्रीनिंग टेस्ट में आप क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जरा आ जाते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट को आपने तैयार कैसे करना है। सबसे पहले एक बात जहन में रखिए कि इसकी तैयारी सब्जेक्टिव पोर्शन की तैयारी से थोड़ी सी अलग होगी। तो इसके लिए आपको नंबर 1 जो मैं सजेस्ट करूंगा वो ये कि आप इसके लिए दिन में अलग से टाइम निकाल के रखें, ठीक है। नंबर 2, आपने सिर्फ और सिर्फ जो पास पेपर्स में एफपीएससी के पास पेपर्स उठा के और वन पेपर्स जो उनकी बुक्स हैं और वही क्रैम नॉलेज अगर रट लिया है और आप ये समझ रहे हैं कि आपकी तैयारी हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से आप गलत सोच रहे हैं। उसकी वजह ये है कि एफपीएससी को भी पता है कि ये मार्केट में क्रैम बुक्स अवेलेबल हैं, तो ऑब्वियसली वो कुछ एक्स्ट्रा देंगे। तो आपको थॉरली सारी चीजें पढ़नी होंगी हिस्ट्री के परस्पेक्टिव में एमसीक्यूज के लिए। दैट्स अ बिट टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन आपको पढ़नी होगी। और जैसे अगर हम बात कर लें, सपोज कर लें हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान अफेयर्स की, तो पाकिस्तान अफेयर्स में शुरू से लेकर 1947 तक का जो पूरा हिस्ट्री का पोर्शन है उसके अंदर कौन सी एम्पायर्स आई, कौन सी सिविलाइजेशंस थी, फिर उसके बाद जो डायनेस्टीज शुरू हुई जिसमें स्लेव डायनेस्टी थी, तुगलक डायनेस्टी थी, गौरीज थे, मुगल्स थे, फिर उसके बाद जब अंग्रेज आए और फिर एंड से होता होता पाकिस्तान बना। तो इस सारे सिनारियों को आपको डिटेल में याद करना है और इसको एमसीक्यूज बेस्ड याद करना है। जब उसको एमसीक्यू बेस्ड आप पढ़ेंगे तो एनालिसिस का पोर्शन साइड पे चला जाएगा, आपकी नजर फिर फैक्ट्स पे होगी, तो उसको अच्छे तरीके से याद भी करना है आपने। नंबर 1 पॉइंट, दूसरी पॉइंट चीज आपके लिए ये हो चुकी है, ठीक है। पहली चीज तो ये कि उसकी स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग होगी और टाइम कंज्यूमिंग भी होगी, और उसके साथ साथ आपको पढ़ने का नजरिया भी आपका बदल जाएगा। तो पाकिस्तान अफेयर्स के लिए आप ये करें। जनरल साइंस की जहाँ तक बात करें हम, उसको पढ़ने की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, तो आप अगर हम पहले सीएसएस के पेपर्स उठा के देखें तो जनरल साइंस के आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड, स्मोक से रिलेटेड, उसके संदर्भ बताएं, उसको कैसे आप काउंटर कर सकते हैं ये बताइए। अब आपको ये याद रखना है कि इस साल पाकिस्तान के अंदर या लाहौर के अंदर स्मोक की जो वैल्यू रही है या जो स्मोक पैरामीटर है, जो कैलकुलेटर है, उसने क्या वैल्यू दी है हमें। आपको ये याद रखना होगा कि दुनिया में हमारी कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने कितनी गैलेक्सीज बनाई हैं, उसमें कितने स्टार्स हैं। आपको ये याद रखना होगा कि हमारी अर्थ किस गैलेक्सी का हिस्सा है और उस गैलेक्सी के अंदर सबसे बड़ा स्टार या सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है। आपको ये याद रखना होगा कि भी जुपिटर है तो इसके सबसे ज्यादा मून्स हैं। इस तरीके के फैक्ट्स आपको जनरल साइंस में अब याद रखने होंगे एमसीक्यूज के लिए। और आपको पता है कि आप ये चीजें ज्यादा रिलाई नहीं कर रहे होते सब्जेक्टिव के लिए, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस नजर आ रहा है उन दोनों के दरमियान में, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं हम करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स के अंदर आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत रिक्वायर्ड होगी। उसकी वजह ये है कि अभी हम पढ़ रहे हैं, आपने लेट्स से के करंट अफेयर्स का चाइना और यूएस की आपसी जो जंग है उसको अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने, या फिर आप पाकिस्तान और यूएस के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप पाकिस्तान और यूएस के हिस्ट्री को पढ़ते हुए एक एनालिसिस डिवेलप करते हैं, जबकि यहाँ पे आपको एनालिसिस के साथ साथ उनके फैक्ट्स भी याद रखने होंगे। आपको अगर कोई करंट हैपनिंग हुई है, लेट्स से कि अभी रिसेंटली इन्वायरमेंट के ऊपर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 चल रही है, तो आपको उसकी डेट याद रखनी होगी कि कहाँ कब से कब तक हुई है, वो इवेंट कहाँ पे हुआ है,
और इस इवेंट के अंदर कौन से पार्टिसिपेंट्स थे या कितने पार्टिसिपेंट्स थे, इस तरीके के फैक्ट्स अब आपको करंट अफेयर्स में याद रखने होंगे। और अगेन ये आप तीनों डोमेन्स में करेंगे, पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज के अंदर भी, रीजनल के अंदर भी और ग्लोबल के अंदर भी, तो इस तरीके से आपको ये करना होगा। और आखिरी चीज, आखिरी जो हमारा सब्जेक्ट होगा इस्लामियात का, जिसके अंदर मेरे अपने स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर उसको कैसे पढ़ा जाए और कैसे तैयार किया जाए, तो उसके हवाले से बात कर लेते हैं। देखें, इस्लामियात एक ऐसी चीज है जिसमें आपको थॉरली, जब तक आप उसको स्टडी नहीं करेंगे, आप ये कश्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि आपको वो पूरा आ जाएगा। आपने पास पेपर्स पढ़ लिए, पास पेपर्स के अंदर लेट्स से कि एक टॉपिक है, जैसे अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक है, उस टॉपिक के टॉप 8 या टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जो बार बार पास पेपर्स में रिपीट हो रहे थे, और आप उन्हीं 10 को ही याद करके बार बार रिपीट पढ़ पढ़ के आपने उन्हीं तक ही अपने आप को रिलाई किया हुआ है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक से फिर मिसाल के तौर पे 10 और क्वेश्चंस भी बन रहे हैं जो कि आपने देखे भी नहीं है। तो जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक को पूरा नहीं पढ़ेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव कवर नहीं होगा। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि आप इस्लामियात के हवाले से खास तौर पे आप उसको पूरे तरीके से, एक आपके पास कंसाइज नोट्स आप देखें अपने, और उनको, उन नोट्स को जो है कि स्पेसिफिकली पर्पज मेड नोट्स हों, तो आप उनको पढ़ें ताकि आपके एमसीक्यू कहीं से भी आए, किसी भी एंगल से आए, आपका वो रह ना जाए और आप उसको करें। और एंड में मैं आप सबको ये कहूंगा कि अगर ये स्क्रीनिंग टेस्ट आ चुका है तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और अल्लाह ताला वैसे भी किसी की मेहनत जाया नहीं करते, आपको इसका सिला जरूर मिलेगा। और आप अगर अच्छा पढ़ेंगे तो इनशाला आप बेहतर परफॉर्म करेंगे, और इस यकीन के साथ आप तैयारी जारी रखिए कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत जाया नहीं करेंगे इनशाला। ठीक है, होप आपसे आपको इससे काफी फायदा पहुंचा होगा, और जैसे जैसे इंशाल्लाह इसकी अपडेट्स आती जाएंगी, एफपीएससी फॉर्मली जब अनाउंस भी कर लेगा इसको, तो हम मजीद उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।